बचपन में आपने कहानियों में पढ़ा होगा कि कोई राजा अपनी रानी से पूछता था कि रानी, आप उस साधु को देखकर पहले हंसी क्यों और बाद में फिर रोई क्यों। इसी तरह कोई साधु कभी किसी राजा के दरबार में जाता था तो राजा उसे देखकर एक बार हंसता था फिर रोता था। इस पर भी साधु पूछता था कि राजन, बताएं पहले आप हंसे क्यों और बाद में रोए क्यों। इस बार लगभग वही कहानी लोकसभा में 29 जुलाई को दोहराई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहुल गांधी को देखकर पहले हंसी और बाद में फिर उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। जरा देखिए पूरा मामला, फिर आपको पता लग जाएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले हंसी क्यों और बाद में फिर उन्होंने अपना सिर क्यों पकड़ लिया। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और ये शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। yes. और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे। Yeah. जो पूरा देश चाहता है, 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है।